What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 18 दिसंबर 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:37 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी इंडेक्स लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है। यूएस मार्केट भी देखे तो नासडेक भी रिकॉर्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड क्लोज पे बंद हुआ है कल। तो यहाँ पर जैसे कि वीकली चार्ट में हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था जो कि बुलिश पैटर्न है, हायर आए हायर लोस। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में जब भी ये पैटर्न बनता है तभी इंडेक्स में काफ़ी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन अभी निफ्टी जो है वो ओवरबॉट कंडीशंस में है। लॉन्ग पोजीशन बनाते वक्त हर एक नए लेवल के हर एक जो नया लेवल क्रिएट हो रहा है जहां पर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ओवरबॉट निफ्टी हो चुका है, कहां पर आज के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,693। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ। यहाँ पर कुछ देर इसने सपोर्ट टेस्ट किया और जैसे ही बाउंस बैक हुआ फर्स्ट टारगेट 13,713 यहाँ पर अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट 13,728 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ समय इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की, फिर जो फर्स्ट टारगेट था एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके और भी तेजी के साथ ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले नासडैक भी कल रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ था, 106 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट लास्ट 2 मंथ से कुछ खास कर पा नहीं रहे, वहाँ पर मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एक साइडवेज ट्रेंड में यूरोपियन मार्केट्स देखने को मिल रहा है। एशियाई बाज़ार देखे तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और निक्केई जो कि जापानीज इंडेक्स है 49 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 87 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद वीकेंड आ रहा है तो हो सकता है इतने ऊपरी लेवल पे कोई अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करे तो हो सकता है एक यहाँ पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो कहाँ पर इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले वीकली और डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा अगर आप हमें फॉलो कर रहे कई सारे वीडियोस से, तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। जो पहला स्विंग हाई लो यहाँ पर मिल रहा था, उसके बाद एक नेक्स्ट स्विंग हाई लो यहाँ पर मिला, उसको पकड़ के ये जब ड्रॉ किया तो अब यहाँ पर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स वीक का क्लोजिंग यहाँ पर दे रहा है इन लेवल्स के आसपास। तो अभी 176.4% का भी लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। 176.4 के बाद 200% का लेवल आता है जो कि 14,000 का निफ्टी इंडेक्स का टारगेट दिखा रहा है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये हम सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी वीकली चार्ट में दिखा रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में। डेली चार्ट में अगर हम देखें उससे पहले कहीं ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं है या फिर कोई ऊपरी लेवल पर हर्डल तो नहीं है। ये अनचार्टेड टेरिटरी है, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं आया इन लेवल के पास। निफ्टी इंडेक्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखें तो ये जो कैंडल्स बनी थी लास्ट 4-5 दिन की, ये बुलिश डोजी टाइप के कैंडल बनी थी क्योंकि इसने नीचे की तरफ काफ़ी लंबा शेडो छोड़ दिया था, लॉन्ग टेल छोड़ दिया था इसने बॉटम की तरफ, और ऊपर आके जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हो रहा था। तो यहाँ पर बुल्स का कंट्रोल साफ तौर से भी दिखाई देता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट 2 दिन से और भी निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ तेजी से मूव कर रहा है। तो लेकिन ये अभी इसे 176.4% के लेवल के आसपास है और इसने एक ऐसा कैंडल बना है, स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है। ये सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन के लिए रुकना होता है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स ये अगर एक ऐसा रेड कैंडल बना दे तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये स्पिनिंग टॉप है, उसके बाद एक रेड कैंडल जो कि इसका लो ब्रेक करता है। तो ये अगर होता है यहाँ से तो यहाँ पर हमें ये प्रॉफिट बुकिंग गहराती हुई नज़र आ सकती है। अदरवाइज निफ्टी वीकली चार्ट के हिसाब से देखें पैटर्न जो बन रहा है हायर लोस का काफ़ी बुलिश है, ये हमने स्टडी प्रोग्राम में देखा हुआ है।
तो यहाँ पर अगर निफ्टी प्रीवियस डे के हाई को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो और भी निफ्टी में नए लेवल्स आते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अभी फिलहाल हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने कल ये फिर से हम ड्रॉ करके दिखा दें, कल हमने आर्ली चार्ट में ये जो लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था, ये लो, ये हाई और ये लो। तो अभी आप इसका साफ तौर से देख सकते हैं 38.2% के लेवल के बाद इसने 50% के पास फर्स्ट आर में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद 61.8% का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और दिन का जो हाई बनाया था कल का वो भी ऑलमोस्ट 76.4% का ये जो लेवल है 13,774 उसी के पास ऑलमोस्ट इसने कल का हाई बनाया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हो रहे हैं। कल का हाई देख सकते 13,773 यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कल का हाई ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास है, तो काफ़ी ये लेवल्स एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। और अगर इन लेवल्स के ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो हमें 13,800 के लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स होंगे, अगर ये जो कल क्लोज दिया है निफ्टी इंडेक्स ने कल का सबसे हायर क्लोज यानी 13,756 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,774, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 13,791, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। निफ्टी इंडेक्स अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना जरूरी है, काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट एंड वॉच करें। जब निफ्टी फिर से एक बार रिट्रेस करे और फिर ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करे तभी आप पोजिशन बना सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट करना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर जो कल फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने फेस किया था यानी ऑलमोस्ट 13,713 के पास ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 13,699 ऑलमोस्ट 700, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का सोन का लेवल जो कि 13,683.85 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।